Assalamu alaikum class, how are you? Today we are going to start our new lesson today. We are going to start from example number 5, kal jo humne chhod di thi. What it says, calculate the mass of 1 decimeter cube of ammonia gas at 30 degree centigrade and 1000 millimeter mercury pressure. Consider that NH3 is behaving ideally. So the pressure was 1000 millimeter mercury. So isko hum convert kar lete hain atm mein, kyunki hamara jo volume hai wo hai डेसीमीटर क्यूब में, राइट? तो हम जब आर की वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी यूज़ करनी है. तो अगर हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो प्रेशर क्या होगा? एटीएम में होगा, तब हमारे पास एक पेयर बनेगा. तो हम क्या करते हैं, 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसको डिवाइड करेंगे 760 के साथ. क्यों? क्योंकि 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की इक्वल होता है. तो हमने 760 से डिवाइड कर दिया, वो आंसर आया 1.315 ATM. वॉल्यूम वॉज 1 decimeter क्यूब. टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. एंड द मोलर मास इज 17 ग्राम पर मोल. वो कहाँ से पता चला? अमोनिया के फॉर्मूला से, 14 फॉर नाइट्रोजन एंड 3 फॉर हाइड्रोजन. ओके, कमिंग टू द फॉर्मूला, हमने कैलकुलेट करना है. पहले आप ये देख लें, कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है, स्मॉल m जिसे कहते हैं. फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. तो फॉर्मूला हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर टी. इन दिस स्मॉल एम इज मास एंड दिस कैपिटल एम इज मोलर मास. तो हम स्मॉल एम को एक साइड पे कर लेते हैं क्योंकि हमें मास ही कैलकुलेट करना है. सो मोलर मास यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर टी यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे. सो ये वाला फॉर्मूला बनेगा एम इज इक्वल टू पी वी एम ओवर आर टी. जितनी वैल्यूज हमने ऊपर लिखी थी वो हमने सारी यहाँ पे पुट कर दी हैं. तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई यूनिट्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया वो ये. कैसे? एटीएम और एटीएम ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल. डेसीमीटर क्यूब कैंसिल. पर मोल कैंसिल. पर कैल्विन एंड कैल्विन कैंसिल. तो क्या बचा? सिर्फ ग्राम. तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 0.907 ग्राम. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास आइडियल गैसेस के सेम वॉल्यूम है एट सेम टेम्परेचर, इट मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और डज इट से इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेज एट सेम प्रेशर हैव एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है, ठीक है, एट एस टी पी. एस टी पी मीन्स 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर. तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.414. ये अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 1 मोल गैस, एनी 1 मोल आइडियल गैस एट एस टी पी विल हैव वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब. ये मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया है. सो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एस टी पी. एस टी पी मीन्स 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर. उसका वॉल्यूम होगा 22.414 सब गैसेस का, ठीक है. ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, जितनी आइडियल गैसेस होंगी उन सब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम होगा इफ दे आर एट एस टी पी. मीन्स दे हैव सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा. और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम होता है? 1 मोल का वॉल्यूम होता है. तो जो 1 मोल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम 22.414 नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम सपोज 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो अब क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए एक नोट बनाया था यहाँ पे. 1 मोल गैस इज इक्वल टू दिस वन, 22.414 डेसीमीटर क्यूब. दिस 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻²³. ठीक है, 1 मोल कोई भी गैस होगी एस टी पी पे, उसका वॉल्यूम ये होगा और इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम 22.414 की बजाय 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो फिर क्या होगा?
ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए। तो मैं क्या करूँगी, आपको यूनिटरी मेथड पता है 22.414 के लिए अगर 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए कितने होंगे, 6.02 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.414 व्हिच इज 2.68 × 10⁻²। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP। Do you get my point? Okay. Now coming to the examples. अगर आपके पास उसने यहाँ पे बताया है 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इफ दे आर एट STP, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 2.68 × 10⁻²। Why? Because it was 1 डेसीमीटर क्यूब। और ये कहाँ से आया, ये आया 6.02 × 10⁻²³ को डिवाइड करने से 22.414 डेसीमीटर क्यूब से। ठीक है, सो इट मीन्स 1 डेसी, अब न्यू हमने एक स्टेटमेंट बना ली है, वो क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 2.68 × 10⁻²³। अब हम में से कोई ये भी तो सोच सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो बहुत डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है वैसे, 2 grams H2 गैस की बात कर रही हूँ, और ऑक्सीजन का 32 grams 16 + 16। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम हो। लेकिन ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैसेस, इट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन, दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल्स सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि गैसेस में आपको पता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं दैट दे डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम, इतने दूर होते हैं कि अगर आपके पास उनका मास ज़्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज एक रूम में हमारे पास 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बड़ा सा रूम है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं दूर दूर, एक एक दीवार के साथ, दूसरा दूसरी दीवार के साथ। अब वो दोनों बच्चे स्मार्ट हों या दोनों बच्चे हेल्दी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, कि बहुत बड़ा रूम है ना, और बहुत बड़े रूम में सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो वो चाहे बहुत ज़्यादा हेल्दी हों तब भी दे विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, और अगर वो स्मार्ट हो तब भी दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो दे आर नॉट गोना अफेक्ट द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके यही यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पास कम स्मॉल मास हो या ज़्यादा मास हो, लेकिन वो इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से कि उनके मैसेज वॉल्यूम पर अफेक्ट नहीं कर रहे, द ओनली थिंग दैट अफेक्ट्स द वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। जोहन डॉल्टन वॉज अ साइंटिस्ट, उसने मिक्सचर ऑफ गैसेस को स्टडी किया, पार्शियल प्रेशर्स को स्टडी किया। पार्शियल प्रेशर क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो हर गैस अपना एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो पार्शियल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा जब सारी गैसेस का हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सो इट सेज द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। लेट सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर 3 गैसेज है, 1, 2 and 3। तो 1 भी अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, 2 भी एग्जर्ट कर रही है, 3 भी एग्जर्ट कर रही है, इसको मैंने P1, P2, P3 कह दिया। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल विल बी द सम ऑफ ऑल 3 प्रेशर्स, P1, P2 and P3। अब क्या होगा जब मेरे पास ये जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, जो इंडिविजुअल गैसेज हैं, जब ये वॉल्स के साथ स्ट्राइक, अच्छा प्रेशर वैसे गैस एग्जर्ट कैसे करती है मे बी हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जब हम कहते हैं ना कि गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इसका मतलब होता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो दे एग्जर्ट अ प्रेशर। अब हमारे पास उसने एग्जाम्पल दी है कि 4 सिलेंडर्स हैं 10 डेसीमीटर क्यूब ईच, उसके अंदर हाइड्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन है। हमने उनको सेपरेटली 3 different cylinders में रखा हुआ था, सेम टेम्परेचर है सबका। सबका प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन का 400 torr, मीथेन का 500 और ऑक्सीजन का 100 torr। हम क्या करते हैं, इन सारी गैसेस को उठा के एक सिलेंडर में डाल देते हैं जिसका भी वॉल्यूम कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब सेम टेम्परेचर पे।
अब प्रेशर कितना होगा, अब क्योंकि तीन गैसेस मिक्स हो गई, तीनों अपना अपना प्रेशर लगाएंगी, सो द टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ ऑल थ्री प्रेशर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 1000 टॉर। अब क्या है नॉर्मल कंडीशन, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब क्या होता है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, सो वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो अपना अपना इंडिविजुअली प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। आपको जनरल गैस इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम उसके थ्रू बताना चाहें कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी डिफरेंट गैसेस के लिए, सो फॉर हाइड्रोजन PH2, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू V, वॉल्यूम सबका सेम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन R कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर T सब के लिए सेम है। सो ये इक्वेशन मैंने तीनों के लिए बना लिया, PCH4V एंड CH4RT। दो चीज़ें मैंने फ़र्क जो की हैं वो एक है प्रेशर और एक है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम भी सेम था 10 dm³, टेम्परेचर भी सेम है सबका, R इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। दो चीज़ें जो वेरी कर रही हैं वो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। देन अगर मैं सिर्फ प्रेशर बताना चाहती हूँ, पार्शियल प्रेशर, तो V यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा RT/V। अब आप देखें तो ये जो RT/V फैक्टर है ये पूरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है ना तीनों के लिए, तो इसको मैं कॉन्स्टेंट कर दूँ अगर, तो PH2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2 बिकॉज दिस हैज़ बिकम कॉन्स्टेंट। PCH4 विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4 एंड PO2 विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। इसका मतलब है जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, जितना नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहती हूँ, तो टोटल प्रेशर में मैंने क्या करना है, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड अप कर देना, सही है। उसके लिए मैं तीनों का जो फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था वो पुट अप करूँगी, वो क्या था, NH2 RT/V, NCH4 RT/V एंड NO2 RT/V। तो क्योंकि RT/V कॉमन है तो उसको इसने पहले ही कॉमन ले लिया और तीनों जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको ऐड कर लिया। नाउ दीज आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मैं इसको NT से रिप्लेस कर दूंगी, NT इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो इक्वेशन अगर नॉर्मल करने की कोशिश करें, V यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी PTV इज इक्वल टू NTRT, टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू R एंड T। सो टोटल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने अगर कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस तो हम कैसे करेंगे, तो हमें दो इक्वेशंस पता है। पहले सपोज कर लें आपके पास दो गैसेज हैं A एंड B, A के नंबर ऑफ मोल्स हैं NA और B के नंबर ऑफ मोल्स हैं NB। A का पार्शियल प्रेशर है PA और B का पार्शियल प्रेशर है PV। दिस इज द इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज, अगर आपके पास मिक्सचर है A और B का। लेट्स सपोज A के लिए क्या लेंगे, PA V इज इक्वल टू NART और B के लिए लेंगे PBV इज इक्वल टू NBRT। सो फर्स्ट वन, अगर हम सिर्फ A का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, A वाली जो इक्वेशन थी दिस वन, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वाली इक्वेशन के साथ, तो ये हो गई डिवाइड। अब यहाँ पे देखें तो V और V दोनों में सेम है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, RT दोनों में सेम है ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इक्वेशन बनेगी PA/PT इज इक्वल टू NA/NT। PA यहीं पे रहने दें, PT को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है A के लिए, तो मैंने A का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसको मैंने एक साइड पे कर लिया। अब इक्वेशन बनी PA इज इक्वल टू NA/NT इंटू PT। NA/NT बेसिकली फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता देती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सब्सटेंसेस, यानी एक सब्सटेंसेस के मोल्स को हम जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक सब्सटेंस के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्योंकि हमने A के मोल्स को डिवाइड किया था। इसी तरह से हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या बनी, PA यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A इंटू PT, ठीक है। दिस वाज़ द फॉर्मूला फॉर डिराइविंग द
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही पूरा प्रोसीजर मैं बी के लिए भी कर सकती हूँ, तो वो उसकी इक्वेशन बनेगी पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट आई कैन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज ए एंड बी. तो अगर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैस ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू टोटल प्रेशर, एंड लेट्स सपोज सेकेंड गैस इज हाइड्रोजन, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इंटू पी टी. दिस विल बी द फॉर्मूला दैट विल बी यूज टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज. बस यहाँ तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, कल हम करेंगे एग्जाम्पल, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है और नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज़.